निर्देशक अभिनेता अविनाश ध्यानी की फिल्म 72 आर्स मार्टियर हु नेवर डाइड गढ़वाल राइफल्स के जाबाज शहीद राइफलमैन जसवंत सिंह रावत की बायोपिक है, जिसने 1962 में भारत चीन की जंग के दौरान 72 घंटे तक अकेले लड़कर अपने प्राणों की आहुति दे दी, लेकिन अपनी धरती का एक इंच भी चीनियों के हाथ नहीं लगने दिया। रिपब्लिक मंथ होने के कारण अब तक आई हुई देशभक्ति पर आधारित फिल्मों के कारण देश प्रेम का माहौल बना हुआ है। ऐसे में इस सीरीज में एक अच्छी कोशिश है। फिल्म में सूत्रधार का एक डायलॉग है, तुम्हारे आने वाले कल के लिए उन्होंने अपना आज कुर्बान कर दिया। फिल्म का ये एक संवाद पूरी कहानी का मर्म समझाने के लिए काफी है। फिल्म के निर्देशक अविनाश ध्यानी ने फिल्म में निर्देशक एक्टर की दोहरी भूमिका निभाई है। ये एक अच्छी नियत से बनाई हुई फिल्म है, मगर कमजोर स्क्रीन प्ले के कारण फिल्म कहीं कहीं पर लड़खड़ा जाती है। अविनाश ने सीमा पर लड़ रहे गढ़वाल राइफल्स के जवानों के जरिए जाबाजी की भावना को उकेरने की पूरी कोशिश की है, मगर सेकेंड हाफ में जसवंत सिंह के वन मैन आर्मी की स्टोरी लाइन के कारण युद्ध के दृश्यों में दोहराव नजर आता है। प्री क्लाइमेक्स में नूरा जसवंत का लव ट्रैक राहत देता है, मगर रियलिस्टिक नहीं लगता। अभिनेता के रूप में अविनाश ने अपनी भूमिका के साथ न्याय किया है। नूरा के रूप में येशी रेमा खूबसूरत लग रही है। फिल्म का संगीत औसत है।